नमस्कार, सोशलाइट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी हमारे आने वाले वीडियो की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आज हमने इस तरह का थाल पोस बनाया है, देख सकते हैं इस डिज़ाइन में। हमने इसमें तीन कलर का यूज किया है, तीन कलर हमने लिया है इसमें। तो चलिए शुरुआत कर, हमने इसमें देखिए तीन कलर का यूज किया है, वाइट कलर है, पिंक है और हल्का ग्रीन कलर। पहले बीच का हम हिस्सा बना लेते हैं। ये देखें, हमने छह चैन यहाँ पर बनाए हैं, इसे हम गोल कर लेंगे। और यहाँ पर हमें तीन चैन करनी है, इसे रिंग कर लें। रिंग करके हमें इस रिंग में 18 डबल क्रोशे बनानी है। ये देखें, इसे हम लेंगे, जोड़ेंगे चैन के साथ में। इसमें आप 18 डबल क्रोशे बना लें। देखिए, हमने 18 डबल क्रोशे बनाए हैं, इसे जोड़ देंगे। यहाँ पर हम तीन चैन बनाएंगे, एक में दो बनाएंगे। देखिए, हम यहाँ का चैन का ये हिस्सा छोड़ देंगे, ये हिस्सा लेंगे। एक चैन में दो बनानी है हमने। देखिए, हमने ये चैन जो हमने लिया है, इसका ये हिस्सा हमने छोड़ा है, यहाँ से हमने लिया है, देख सकते हैं। ये जो है ये लाइन इस तरह से आएगी, यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से हमने आगे का चैन का जो आगे का एक हिस्सा हमने छोड़ा और यहाँ से हमने लिया है। ये देखिए, वो चैन है, तो ये जो आगे का हिस्सा हमने छोड़ दिया है, ये यहाँ पर हमने इस तरह से लिया है। तो ये जो लाइन है वो इस तरह से दिखेगी आगे की तरफ, देख सकते हैं एक लाइन। इस तरह से पूरी लाइन बना ली। ये देखो, इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। हमने दो लाइन इस तरह से बनाएंगे, फिर ऊपर की लाइन में भी हम इस तरह से बनाएंगे। एक में हमें दो बनानी है और दूसरे चैन में एक बनानी है। देखो, चैन हमने आगे का हिस्सा छोड़ा है, यहाँ से हमने लिया है, एक में दो और एक में एक, इस तरह से हमें यहाँ पर लेनी है। तो देखो, एक में हमने दो लिया, दूसरे में एक, फिर तीसरे में हम दो लेंगे, एक में दो। तो इस तरह से ये लाइन हमें बना लेनी है। इस तरह से लाइन बना लें और दूसरे लाइन में जिस हमने एक में एक लिया है, तो दूसरे ऊपर के लाइन में दो में एक एक लेंगे, फिर एक में दो लेंगे। इस तरह से आप दो लाइन बना लें। देखिए, इस तरह से हमने चार लाइन बनाई है। देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक एक क्रोशे, एक में दो, एक में एक लिया था, फिर एक में दो, और यहाँ पर हमने दो में एक एक लिया है,
ही रेत में धो लिया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाली लाइन तीन चैन ले लेंगे पहले, ये देखिए यहाँ से हम लेंगे, ऊपर से हम नहीं लेंगे, चैन में से नहीं लेंगे, देखिए क्रोशे के बीच में से हमने लिया है, यहाँ पर तीन चैन कर लेंगे, फिर दो क्रोशे कर लेंगे, तीन क्रोशे हमें यहाँ पर करनी है चैन को लेके, ये देखिए तीन चैन हमने यहाँ पर किया है, तीन क्रोशे किया है यहाँ पर, और यहाँ हम दो चैन करेंगे, ये देखिए हमने यहाँ पर तीन क्रोशे छोड़ के फिर उसी तरह से हमें बनानी है, अगर आपका ये मुड़ता है तो आप एक चैन लें यहाँ पर, देखो तीन क्रोशे हमने यहाँ पर लिया है और यहाँ पर एक चैन लेंगे और यहाँ पर हम तीन छोड़ेंगे, तीन छोड़ के फिर हम तीन क्रोशे बनाएंगे उसी में एक ही में, देखो इस तरह से फिर एक चैन लें, एक दो तीन छोड़ेंगे, तीन क्रोशे एक चैन तीन छोड़ के तीन क्रोशे एक ही में हमें लेनी है, देखो इस तरह से, तो इस तरह से एक लाइन बना लिया, ये देखें हमने इस तरह से ये लाइन बना ली है, यहाँ पर एक चैन लेके हम यहाँ जोड़ देंगे और यहाँ पर आप धागे निकालें, ये देखें इस तरह से, यहाँ हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे, हमने ग्रीन कलर का धागा लगाया है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक क्रोशे कर लेंगे, फिर यहाँ हमें चार चैन लगाने हैं इस तरह से खींच लेंगे हम थोड़ा लंबा इसे क्रोशे को, चार पांच फेरा हमने यहाँ पर बनाई है, इसे बांध दें बांध के और दो चैन कर लें, फिर आगे हमें आगे के चैन में बनानी है, ये देखो एक दो तीन चार पांच फेरा यहाँ हमें करनी है, फिर ये देखिए इसे बांध के दो चैन करके इस तरह से इसे हम दूसरी तरफ कर लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे एक दो तीन चार पांच इस तरह से बांध के फिर दो चैन लेंगे, देख सकते हैं इस तरह से हमने डिजाइन बनाई है, हमने ये डिजाइन एक और वीडियो में आपने को बताया हमने, दो चैन इस तरह से फिर हम इसे पलटी करेंगे और यहाँ पर हमें लेनी है चैन छोड़ के व्हाइट चैन में, दो चैन फिर हम सीधा करके आगे वाले चैन में लेंगे, तो इस तरह से डिजाइन जो बनानी है हमें, देखो इसे डिजाइन ही आएगी, देख सकते हैं पांच पांच फेरा हमने यहाँ पर लिया है, चार पांच और इसे बांध दो, बांध के दो चैन लेंगे, ये देखिए फिर से इसे हम पलटी करके और ग्रीन छोड़ के हमें यहाँ से लेंगे, एक दो तीन चार पांच पांच फिर इसे बांध दो और दो चैन, फिर आगे की चैन में इस तरह से एक लाइन डिजाइन आप बना लें, देख सकते हैं, ये देखिए हमने ये लाइन आपको बताई है, हमने यहाँ भी
दूसरे में बनाया है, दूसरे ऊपर के लाइन में, और ये वाली लाइन में आपको बता रही हूँ बनाना। हमने ये कलर का यूज किया है, पिंक कलर का। इसमें देखिए हमने ये लाइन इस तरह से बनाई है। तो यहाँ पर हम पिंक कलर लेंगे, धागे निकाल के ग्रीन कलर का। देखिए दो चैन जो हमने बनाई है, ये देखिए इस तरह से यहाँ पर, एक दो तीन चार, चार हमने यहाँ पर चैन किया है एक क्रोसी करके। और इसमें हमें ये देखो पांच फेरा करनी है। चार पांच, आपको घना चाहिए तो आप छः सात कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सात फेरा किया है और ये देखो इसे हम बांध लेंगे। फिर यहाँ पर हम चार चैन करेंगे दूसरी तरफ, यहाँ बना लेंगे दो तीन चार पाँच छ सात, इसे हम बांध देंगे। और यहाँ चार चैन करना है, जो चैन है जो दो दो चैन हमने लिया था वहाँ पर हमें बनानी है। दो चैन हमने यहाँ भी लिया था तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से दो तीन चार पाँच छ सात, एक दो तीन चार चैन, ये लाइन देखो इस तरह से बनी, देख सकते हो। तो ये लाइन जो है आप ऐसे बना लें, देखो इस तरह से हमने ये लाइन चार चैन करके यहाँ पर हम जोड़ देंगे। यहाँ पर धागे निकाल लें, यहाँ इतना जो लाइन है यह आपको बता रही हूँ मैं। यहाँ पर हमने ये दो तीन चार पांच लाइन बनाई है वाइट कलर में, तो इस तरह से ये लाइन हम बनाएंगे। छह क्रोसी करना है यहाँ पर चैन में, तीन चार पांच छह, देखो छह क्रोसी हमने, चार चैन जो लिया है उसमें हमने छह क्रोसी किया है। यहाँ पर हमने चैन नहीं लिया है, इस तरह से छः छः क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। तो एक लाइन आप इस तरह से बना लें छः क्रोशिया चैन में, हमने यहाँ भी इसी तरह से बनाई है दो चार छः। तो ये लाइन भी आप इस तरह से बना लें, ये देखिए एक लाइन हमने इस तरह से बना ली है, इसे हम जोड़ देंगे।
सड़क। और यहाँ पर हमने देखो जो हमने नीचे लाइन बताई है उसी तरह से हमें यहाँ बनाना है, हमें यहाँ बढ़ाना नहीं है। हर एक चैन में हमें लेना है, देखो हर एक चैन में हम लेंगे एक एक। देख सकते हैं ये लाइन जो है ऊपर आएगी चैन की, देखो इस तरह से। इस तरह से आप तीन लाइन बना लें, इसे लेके चार लाइन हो जाएंगे, एक दो, और इस तरह से तीन लाइन बना लें। अगर आपका सिकुड़न होता है या फिर कम पड़ता है क्रोशे, तो कम की वजह से सिकुड़न होती है, तो आप आठ क्रोशे बना के और एक में दो बना लें। आठ क्रोशे बनाएं इस तरह से, आठ में एक 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 एक, और फिर एक में दो बना लें, तो इस तरह से बढ़ जाएगी तो सिकुड़न नहीं आएगी। हमने यहाँ पर बराबर बराबर बनाया है, कभी कभी ऊन जो है पतला या मोटा होता है तो क्रोशे इस तरह से सिकुड़न किसी में आती है किसी में नहीं आती है, तो इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। हमने यहाँ पर बराबर बराबर लिया है, बढ़ाया नहीं है यहाँ। और यहाँ पर अगर सिकुड़न आती है तो यहाँ भी आप इस तरह से आठ या दस चैन, दस क्रोशे बनाने के बाद आप एक में दो बना के बढ़ा दें। इस तरह से आप बना सकते हैं, बराबर बराबर आ जाएंगे। तीन लाइन इस तरह से बना लेंगे, यहाँ भी हम तीन लाइन इस तरह से बना लेंगे। चैन आगे का ये देखें, आगे का हिस्सा छोड़ देंगे हम, यहाँ से लेंगे तो इस तरह से बनाएंगे क्रोशे। ये देखें तीन लाइन हम इस तरह से बना लेंगे, और एक लाइन हम इस तरह से बनाएंगे, एक चैन और तीन क्रोशे, तीन छोड़ के फिर वापस हमें ये, अगर बड़ा बनाना है आपको थाल पोस्ट तो ये रिपीट करें वापस डिजाइन, तो इस रिपीट करके फिर वापस हम ये तीन चार पट्टी का डिज़ाइन वाइट का हम बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ा ये थाल पोस्ट बना सकते हैं। ये देखिए हमने एक लाइन और ये चार लाइन बना के, पांच लाइन बना के हमने एक लाइन का और दिया है, और यहाँ पर हमने चार लाइन बनाया है, और लास्ट में यहाँ पर जो हमने एक चैन लेके और तीन हमने छोड़ा था, यहाँ पर हमने चार छोड़ी है। देखिए चार छोड़ के बनाएंगे यहाँ पर तीन क्रोशे और चार नीचे, चार क्रोशे हम छोड़ेंगे। ये देखिए इसमें हमने तीन क्रोशे बनाएंगे, एक चैन लिया है और एक दो तीन चार हम छोड़ेंगे, यहाँ पर तीन क्रोशे बनाएंगे। अगर सिकुड़न आती है तो आप तीन भी छोड़ें। ये देखें इस तरह से हमने ये लाइन बनाएंगे। चार छोड़ेंगे हम, एक चैन, चार छोड़ के तीन क्रोशे एक ही में हमने बनाई है, देख सकते हैं। तो ये लाइन हम इस तरह से बना लेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक चैन लेके जोड़ देंगे, यहाँ पर हमने धागे निकाल लिए हैं, हमें ग्रीन कलर का ऊन लगाना है। ये देखें हमने एक लाइन
और ये चार लाइन बना के, पांच लाइन बना के हमने एक लाइन का और दिया है, और यहाँ पर हमने चार लाइन बनाया है, और लास्ट में यहाँ पर जो हमने एक चैन लेके और तीन हमने छोड़ा था, यहाँ पर हमने चार छोड़ी है। देखें, चार छोड़ के बनाएंगे यहाँ पर, तीन क्रोसे और चार नीचे, चार क्रोसे हम छोड़ेंगे। ये देखें, इसमें हमने तीन क्रोसे बनाएंगे, एक चैन लिया है और एक दो तीन चार हम छोड़ेंगे, यहाँ पर तीन क्रोसे बनाएंगे। अगर सिकुड़न आती है तो आप तीन भी छोड़ें। ये देखें, इस तरह से हमने ये लाइन बनाएंगे। चार छोड़ेंगे हम, एक चैन, चार छोड़ के तीन क्रोसे एक ही में हमने बनाई है, देख सकते हैं। तो ये लाइन हम इस तरह से बना लेंगे, देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक चैन लेके जोड़ देंगे, यहाँ पर हमने धागे निकाल लिए हैं, हमें ग्रीन कलर का ऊन लगाना है। यहाँ पर हमने धागे निकाल लिए हैं, देखें, हम यहाँ पर लटकन के लिए हमें दो लाइन देनी है, एक ग्रीन कलर की और एक पिंक कलर की हम लाइन यहाँ पर बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमें बनानी है। देखें, एक चैन हमने लिया सिंगल क्रोशे से जोड़ के, और यहाँ पर पांच फेरा कर लेंगे, पांच हमने इस तरह फेरा करके उसे बांध दिया, फिर पांच चैन ले लेंगे। और ये देखिए, चैन में जो हमने एक चैन लिया है, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे, एक चैन लेके और इस तरह से इसे हम बना लेंगे। बांध ले, पांच चैन, दूसरे चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर एक चैन लेके, फिर इस तरह से हमें इस तरह से डिजाइन बनानी है। और इसके बाद इसके ऊपर हमें बनानी है एक लाइन और हम बना लेंगे। तो यहाँ पर देखें, मैं बता देती हूँ आपको, ये देखें, यहाँ पर हमने इस तरह से सिंगल क्रोशे जोड़ देंगे और एक चैन लेके, और ऐसे ही हमें बनानी है, पांच फेरा लेना है, पांच फेरा ले लेंगे और इसे हम बांध के पांच चैन, दूसरी तरफ जो चैन हमने लिया है यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशे से जोड़ देंगे, फिर एक चैन लेके, फिर इसी तरह से हमें बनानी है। तो दो लाइन आप इस तरह से बना ले, एक हमने ग्रीन कलर की बनाई है और एक पिंक कलर की बनाई है। आप चाहें तो तीन चार लाइन भी बना सकते हैं। सिकुड़न आए तो आप यहाँ पर चार पाँच की जगह छः चैन कर सकते हैं, यहाँ पर चैन बढ़ा लें। ये देखें, हमने यहाँ पर दो लाइन करी है, पांच चैन, फिर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशे से इस तरह से जोड़ देंगे। ये देखें, इस तरह से लटकन हमने बनाई है। हमारे वीडियो और डिज़ाइन आपको कैसे लगे, हमारे वीडियो शेयर करें, लाइक करें,
कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।